नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। सीएम नीतीश कुमार के अचानक पाला बदल लेने के बाद से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। अमित शाह अब तक बिहार का दो बार दौरा कर चुके हैं, वहीं अब शाह के तीसरी बार बिहार दौरे पर आने से बिहार की राजनीति बेहद गर्मा गई है। आपको बताते चले कि सीमांचल और सारण के बाद अब शाह नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से गरजेंगे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के महीने में नालंदा आएंगे, जहां वे बूथ अध्यक्षों के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अमित शाह पार्टी की चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी है। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नालंदा में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय जायसवाल ने बताया कि दिसंबर में बूथ अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 36 से अधिक सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम के तहत पूर्णिया, भोजपुर और सारण के बाद अब नालंदा में केंद्रीय गृह मंत्री बूथ अध्यक्षों के बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर संजय जायसवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी पटना अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई है। पाटलिपुत्र थाना से महज 200 गज की दूरी पर हरनौत के मुखिया पति की हत्या कर दी गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन इतनी दूरी तय करने में पुलिस को करीब 40 मिनट लग गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। संजय जायसवाल ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से नालंदा की सीट से जीतेगी। और दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और इसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसके तहत गृहमंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहां पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो कुछ भी नालंदा में विगत दिनों में हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। अब बिहार में अपराधियों को लग रहा है कि सबसे सुरक्षित अपराध। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।